फूड गार्डन के बारे में थोड़ा कुछ बोलिए। हम लोग ठाकुरगंज में हैं, बिहार के किशनगंज जिला में। ड्रैगन फ्रूट गार्डन हमने 2014 में स्टार्ट किया 100 प्लांट से, देखने के लिए कि यहाँ होता है कि नहीं होता है। 16 में हमारा फ्रूटिंग आ गया तो हमको लगा कि यहाँ पॉसिबल है, ड्रैगन फ्रूट गार्डन हो सकता है। उसके बाद हमने एक्सटेंशन शुरू किया, आज 5 साल में 100 प्लांट से शुरू किया था हमने, अभी हमारे पास 15,000 प्लांट्स है। और ड्रैगन फ्रूट प्योरली ऑर्गेनिक में करते हैं, जिससे कि हेल्थ बेनिफिट इसका ज़्यादा होता है। रेड वेराइटी है, ऊपर से भी लाल अंदर से भी लाल, यही सबसे बेस्ट वेराइटी होता है। अच्छा, आप तो ड्रैगन फ्रूट इतना लगाया, वो कहाँ आप लोग सेल करते हैं ये? सेल कुछ तो लोकल में ही हो जाता है, लोकल लोग जानने लगे हैं हेल्थ बेनिफिट इसका। और बाकी सिलीगुड़ी, इस्लामपुर, किशनगंज सब जगह बेचते हैं हम लोग, जहाँ से डिमांड आता है। कभी कभी पटना से डिमांड आता है, कभी कलकत्ता से भी डिमांड आता है, वहाँ भेज देते हैं। अब हम बाई ट्रांसपोर्ट में हो? हाँ, ट्रांसपोर्ट में भेजते हैं, बस में रख देते हैं, वो कलकत्ता चला जाता है, बस में रखने से पटना चला जाता है। इस साल आपका कितना फायदा हुआ ये ड्रैगन फ्रूट्स? फ़ायदा में तो ऐसा है ना कि अभी हम लोग एक्सटेंशन कर रहे हैं, इसलिए कॉस्टिंग को ज़्यादा आ रहा है। फिर भी इस बार हमारे करीब करीब 2 एकड़ में क्रॉप आया था, क्रॉप 2 एकड़ में हमने करीब 12 टन क्रॉप काटा, तो करीब करीब 25-30 लाख का क्रॉप बेचा हमने। कितना भाव मिला है? भाव तो कच्चा माल है, कच्चा माल का कोई फिक्स रेट तो रहता नहीं है, तब भी नीचे में 200 रुपये से लेके ऊपर में 400 रुपया केजी तक बेचा हमने। ऐसे अभी जैसे ऑफ सीजन है, अभी 1-2 किलो निकलता है, 400 रुपये किलो में बिक जाता है, नीचे से नीचे 200 रुपये किलो में बेचा। अभी ड्रैगन फ्रूट्स है आपका गार्डन पे? नहीं, अभी ड्रैगन फ्रूट तैयार नहीं है, अभी प्लांट में है। कितने दिन में तैयार होगा? 5 दिन 7 दिन 10 दिन में 1 किलो 2 किलो करके ऐसा निकलता है, तो साथ साथ में लोग ले जाते हैं, क्योंकि अभी तो माल तैयार कम है। आपका नाम? मेरा नाम नगराज है और ठाकुरगंज में रहते हैं हम लोग। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से 1967 में ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद आप ठाकुरगंज में आ गए। उसके बाद ये बिहार में सिंगापुरी केले का खेती भी हम ही ने स्टार्ट किया 67 में, तो कुछ नया करने का आदत है, इसलिए करते हैं। ठीक है।